एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। महेश, आपने अक्सर इतने बड़े बड़े गायकों के सामने भी हाल फिलहाल में गाया है, तो अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि लोग नर्वस हो जाते हैं या डर जाते हैं, तो उनके गायकी पे असर पड़ता है, तो क्या आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? मेरे गुरुजी श्री समीर खाल्डे राव जी ने मुझे ये शिक्षा दी है कि कभी भी डर के नहीं गाना चाहिए, क्योंकि अगर आप डर के गाएंगे तो वो ना तो आप लोगों तक वो बात पहुंचा पाएंगे, ना वो परमेश्वर तक बात पहुंचा पाएंगे। तो हमेशा हमें अपने डर को पीछे रखना चाहिए और हमें वो गाने को फील करके गाना चाहिए। और मैं गाना या तो खुद के लिए गाती हूँ और अपने परमेश्वर के लिए गाती हूँ। मैंने माहिरश का ऑडिशन वाला गाना सुना है और कई क्या सभी लोगों ने सुना है, तो आज माहिरश हमारे साथ हैं ही, तो मौका है, तो हम माहिरश से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार लाइव उस गाने को अगर आप गुनगुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए मैं आपको वो गाना भी सुनाती हूँ, मेरे मौला का। अक्सर कई युवा युवतियाँ दादाजी अपना ऐसा सोचते हैं कि मुझे सिंगिंग में कैरियर बनाना है, तो जो अपकमिंग सिंगर्स हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? आज की जो युवा पीढ़ी है वो देखने में तो यही आ रहा है कि मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंचने की उत्सुकता है उनमें, और मेहनत की वो लगन नहीं है जो होनी चाहिए, और जिस भी मंजिल पर पहुँचना है उन्हें, उसके लिए उन्हें अथक परिश्रम करना होगा, और परिश्रम तभी होगा जब वो उसमें समर्पित हो जाएं, क्योंकि शौक से जो बात पूरी होती है वो किसी के दबाव में आकर के पूरी नहीं की जा सकती। शौक ही सबसे बड़ी चीज़ है, और संगीत जैसे दुनिया के सबसे कठिन विषय के लिए तो शौक बेहद ज़रूरी है। अगर आपके मन में, आत्मा में, जहन में, रूह में दिली लगाव है, इसके प्रति दिली खिंचाव है, तो आप मेहनत भी करेंगे, रियाज भी करेंगे, और यकीनन आपको एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। लिहाजा आज की पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी अच्छे गुरु के माध्यम से, क्योंकि संगीत के लिए शास्त्रीय संगीत का ज्ञान अत्यंत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, तो किसी अच्छे गुरु से आप शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लें, और उस शिक्षा के साथ साथ सुगम संगीत या बॉलीवुड से प्रभावित हैं तो फिल्म के अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छी कंपोज वाले गाने गाना शुरू करें, लेकिन शास्त्रीय संगीत का दामन हमेशा पकड़े रहें, क्योंकि फिल्मों में भी जितने गाने वालों को आप देख रहे हैं या जो लोग गुजर भी गए, वो सभी शास्त्रीय संगीत के ही जरिए वहाँ तक पहुँचे, एक आध कुछ हो।
तो शास्त्रीय संगीत को अपनाएं, उस पर मेहनत करें और फिर मंजिल एक न एक दिन आपकी ज़रूर कदम चूमेगी। अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।